हेलो एवरीवन, मैं हूं रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं गुड़ और मूंगफली से बनने वाली बर्फी। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं और दिवाली में मिठाइयों का मजा लेना चाहते हैं तो फिर इस बर्फी को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड़ और मूंगफली से बनती है जो कि वेट लॉस में भी हेल्प करती है। तो फिर आइए फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे बनती है ये बर्फी। बर्फी बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। पहले मैंने इन्हें कढ़ाई में मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया था। फिर जब ये ठंडे हो गए थे तो इनके छिलके हटा दिए थे। और 1.5 कप गुड़ लेंगे। तो जो रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं इनको एक मिक्सी के जार में डालकर इनका एक दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। आप मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए चलाते रहेंगे तो 1 मिनट में ऐसा दरदरा पाउडर तैयार हो जाएगा। मिक्सी को लगातार नहीं चलाएंगे, ऑन ऑफ करके चलाएंगे तो पाउडर हमारा तैयार हो जाएगा। तो एक पैन रख देंगे गैस पे, इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम गुड़ डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हमें इस गुड़ को मेल्ट करना है। इस तरीके से चलाते हुए हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। बस हमें गुड़ को ज्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट करना है बस। बस गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। तो जो अब हमारा जो मूंगफली का पाउडर है ये हम इसमें डाल करके और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते समय हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है गुड़ में पाउडर। अब मैंने एक प्लेट में घी लगा लिया था और इसमें हम ये जो मिक्सर है इसको डाल के हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये मैंने स्प्रेड कर लिया है। अब इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट लगेंगे इसको सेट होने में। तो अब मेरा जो मूंगफली का मिक्सर था वो सेट हो चुका है। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। पीसेस आप अपने मनपसंद कट कर सकते हैं, छोटे बड़े या फिर किसी भी शेप के। अपने पीसेस कट कर लिए हैं। काफी अच्छी मूंगफली की बर्फी हमारी बनकर के तैयार हुई है, काफी सॉफ्ट बनी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।